मेरी वॉम वेलकम टू ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन वो आर प्रेजेंट ईयर और हमारे आज पहले एपिसोड एक्सिस डायरेक्ट और जी बिजनेस के राइजिंग इन्वेस्टर में आप सभी का स्वागत है एक छोटे बच्चे को जैसा हम हाथ पकड़ कर बड़ा करते हैं वैसे ही इन्वेस्टमेंट्स को आगे लेके जाने के लिए एक गाइडेंस का ज़रूरत है एक ऐसे सहयोगी का ज़रूरत है जो इन्वेस्टमेंट्स को एक सही दिशा दें आपकी एक्सिस डायरेक्ट के आज की तारीख़ में टेन लैख कस्टमर्स हैं और ये काफी सालों से ये प्रोजेक्ट करते आ रहे हैं और इन्वेस्टर्स को तो गाइड करते आ रहे हैं और इसी एक्सिस डायरेक्ट के बारे में जानने के लिए लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू एम डी एन सी ओ ऑफ एक्सिस सिक्योरिटीज श्री अरुण टुकराल साहब अरुण सर वेलकम टू द शो एक्सिस डायरेक्ट का रिसर्च डिपार्टमेंट और आप कितना थ्राइव करते हैं To achieve this landmark, if you can just elaborate on that. Access Direct का uh, सफर जो है पाँच साल पहले शुरू हुआ था okay. और इन पाँच सालों में हमें बहुत खुशी है कि हमें दस लाख से ज़्यादा निवेशकों का भरोसा हासिल हो गया हम फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेल इक्विटी ब्रोकिंग हाउस हो गए आज तो लास्ट तीन साल से हमको एक प्राइज ये अवार्ड मिलता है हर साल कि आप फास्टेस्ट ग्रोइंग है और बेस्ट ग्रोइंग है और ये अवार्ड बी और डन एंड ब्रेडस्टिट जैसी रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है तो हमारे क्या वैल्यूज़ हैं हमारे क्या सिद्धांत हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमने पकड़ी वो ये है कि हमको सिंपल रहना है हमको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहना है बिल्कुल तो सिंपलिसिटी क्या है सिंप्लिसिटी आपकी कन्वीनियंस हो सकती है कि आप जब चाहें जहाँ चाहें ट्रेड कर सकें आप मोबाइल से ट्रेड कर सकें आप डेस्कटॉप से ट्रेड सकें आप आईपैड से ट्रेड कर सकें सिंप्लिसिटी का ये भी मतलब है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं आप सिर्फ इक्विटी का ही बात नहीं करें आपको अगर एन लेना है आपको डेरिवेटिव करना है आपको म्यूचुअल फंड लेना है आपको कॉपोरेट एफ लेना है आपको टैक्स फ्री बॉन्ड लेना है तो जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं तो आप जिस तरह के कस्टमर हैं या निवेशक हैं उसके हिसाब से हम आपको प्राइसिंग भी दे देंगे बिल्कुल तो ये भी सिंप्लिसिटी हो गई दूसरी चीज़ हमने जो कि टेक्नोलॉजी में बहुत इन्वेस्ट किया अब हम प्राइमेली ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रखते हैं तो टेक्नोलॉजी कटिंग एज होना ही चाहिए जैसे हमारा मोबाइल ऐप है अगर मैं उसकी बात करूं हमारा मोबाइल ऐप इस वक्त मार्केट लीडर है वो मार्केट लीडर कैसे होता है कि आपका कितना परसेंट बिजनेस जो है वो मोबाइल से रूट होता है तो हम इसमें हाईएस्ट हैं हमारा 20 परसेंट तक का बिज़नेस सिर्फ मोबाइल से आता है लोगों ने पैसा कैसे बनाया अच्छे आइडियाज से बिल्कुल अच्छी रिसर्च से तो यह चीज हमने समझ ली कि अगर हम अच्छे आइडिया देंगे लोगों को तो हमारे साथ ही इन्वेस्ट रहने वाला है तो हमारे तो 70 परसेंट से ज्यादा आइडियाज पिछले एक साल में टारगेट को हिट कर रहे हैं और जो और एक चीज हमने करी टेक्नोलॉजी को हम रिसर्च में भी लेके आए जैसे टेक्नोलॉजी हमारी कोर थीम है तो हम जैसे कोई आपको ई भी अगर भेजते हैं तो अगर आप वो ई खोलेंगे दिन में बारह बजे तो जो बारह बजे का बाजार है और उसमें अगर हमने दो स्टॉक आइडियाज दिए हैं उस वक्त उसका क्या प्राइस है वो आपको ई में दिखेगा Fantastic. ये अभी और किसी के पास नहीं है ये डीएमए एक डायरेक्ट मार्केट एसोसिएट्स होते हैं उनका हमें प्राइस मिला है right. एशिया में मिला है और इंडिया में भी मिला है फैंटास्टिक तो आपने देखा हमें फास्टेस्ट ग्रोइंग का अवार्ड मिला आपने देखा हमें रिसर्च के ऊपर अवार्ड मिल रहा है आपने देखा हमें मार्केटिंग इनोवेशन पे अवार्ड मिल रहा है तो ऑल इन ऑल और ये सब हो रहा है किसकी वजह से आप लोगों की वजह से अगर आपका भरोसा sure. नहीं है क्योंकि आप काफ़ी कस्टमर हमारे यहाँ भी होंगे तो अभी तक का जर्नी बहुत अच्छा है और आगे भी अच्छा रहेगा कितना सिंपल तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे इंडिया एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द रिटेल इन्वेस्टर्स इफ़ यू कैन जस्ट लॉब ऑन दैट इंडिया एज एन इन्वेस्टमेंट कंट्री मुझे लगता है अभी तो किसी को डाउट होना नहीं चाहिए जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है या इवन जो फॉरन इन्वेस्टर हैं वो लोग इंडिया को ऐसे देखते हैं जैसे इंडिया से अच्छा जगह कोई नहीं है लेकिन ये धीरे 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 इंडिया में भी आना चाहिए इंडिया में अभी दो से तीन परसेंट लोग इन्वेस्ट करते हैं चाइना में अठारह बीस परसेंट करते हैं यूएस में चालीस पैंतालीस परसेंट करते हैं तो एक बात सोचने की यह है कि जब पूरी दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है बिल्कुल तो हमको देखना चाहिए तो उसी थीम को हम आगे ले रहे हैं और अभी धीरे धीरे वो चीज़ आ रही है लोग एजुकेशन से लोग अभी जान रहे हैं धीरे धीरे इंडियन इन्वेस्टर जो है वो इंडियन स्टोरी में पार्टिसिपेट कर रहा है ऐसा उम्मीद है और करेगा और हम उसकी ये यात्रा एकदम सिंपल बनाएंगे जैसे मैंने बताया किस तरीके से हम बनाएंगे यहाँ से लेकर आपने ये माध्यम राइजिंग इन्वेस्टर के थु, के थ्रू क्यों चुना और इसके पीछे का व्हाट इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव टू कनेक्ट विद द इन्वेस्टर्स हम छोटे छोटे सेमिनार इस तरह से करना शुरू किए थे हमने हमने कभी सी से बात किया कभी एन से बात किया कभी कभी हम वेबिनार करते हैं अपने रिसर्च के थ्रू अपने कस्टमर से कनेक्ट करते हैं जी जैसा मशहूर चैनल भी इसी दिशा में कुछ बात कर रहा है और हमने आगे डिस्कशन किया जी बिल्कुल और वहाँ हम अलाइन हो गए क्योंकि ऑब्जेक्टिव सेम था इन्वेस्टर अवेयरनेस इन्वेस्टर एजुकेशन लेट मी इन्वाइट ऑन स्टेज राइजिंग इन्वेस्टर एक्सिस डेरेक्ट के साथ में जो एसोसिएटेड है लेट मी इंट्रोड्यूस कनू भाई सालवी साहब प्लीज वेलकम ऑन स्टेज कनू भाई सालवी सर वेलकम टू द शो आपका एसोसिएशन uh, और आपकी इन्वेस्टमेंट थियोरीज uh, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे और आपको ये सफर में किसने गाइड किया था एक्सिस का कोई कॉल आता है उसमें सब छिन बन करते हैं कि एनपीए कैसे आर ओ ई कैसे है इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म में भी करते हैं जी जैसे आपने बताया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपने चूज किया और इसके पीछे का आपका राशनल क्या था और सेकेंडली आपने कौन कौन से स्टॉक्स इफ़ यू कैन जस्ट हाईलाइट जो आपकी एक सक्सेस स्टोरी का पार्ट बने थे एल हाउसिंग लिया है ओके okay. एक्सिस के रेकमेंडे से पाँच में लिया और पाँच तक चला गया था उसी वक्त हमने इन्वेस्ट किया तो उसमें काफ़ी मुनाफा मिला आप इन्वेस्टर्स के लिए कुछ शेयर करना चाहेंगे कुछ टिप्स वगैरह की कैसे इन्वेस्टमेंट तो करें बोलेंगे क्या यू गो फॉर एक्सिस अभी जैसे हम बच्चों को पढ़ाते ए फॉर एप्पल तो मैं तो सोचता हूँ कि अभी जो इंस्टीट्यूट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वो ऐसे पढ़ेंगे ए फॉर एक्सिस वी विश यू ऑल द बेस्ट और, और यहाँ से Thank लेकर वी होप दैट यू अर्न लॉड ऑफ मनी एंड कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स And तो सही है, जैसे आपने बताया लेकिन उसको ग्लोबल फैक्टर्स कौन कौन से है जो दैट कैन डील एक्सपेक्टेशन यून जस्ट बिगिन विध आप सबको याद होगा कि ब्रेक्सिट के बारे में हम कितना चिंता कर रहे थे कब ब्रेक्सिट होगा होगा या नहीं होगा लीव रहेगा रिमेन रहेगा और फाइनली एक दिन ब्रेक्सिट हुआ और आपने देखा मार्केट नीचे गया और मार्केट वापस रिकवर हुआ और एज़ फार एज़ इंडिया इज़ कंसर्न हमारा तो उनके साथ ट्रेड सरप्लस है तो अलग से हमको टर्म्स एंड कंडीशन बनाना पड़ेगा ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा वो तो एक बात है बट एज़ सच इंडिया के बारे में सोचा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा हमें नहीं लगता कि हमें इतनी चिंता करने की जरूरत है बिल्कुल इस तरह से ग्लोबल शॉक्स कुछ कुछ है जो चलते रहेंगे और श्योर sure, जैसे सुनील जैसे अरुण सर ने हाईलाइट किया यहाँ पे लेकर ब्रेक्सिट के बारे में चाइना कितना बड़ा कंसर्न है बिकॉज वी हैव सीन अ ट्रेंड इन करेंसी एक ऐसा ट्रेंड था जहाँ पे ओनली अप्रीसिएशन वो सीन बट यहाँ पे लेकर एक डेप्रीशिएटिंग ट्रेंड है हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस चाइना थिंग फॉर अस चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है जी और फिलहाल जो हो रहा था कि लास्ट पच्चीस तीस सालों से उसने जो है मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज इतनी डेवलप की तो जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो गया वहाँ की करेंसी कंटिन्यूसली अप्रिशिएट हो रही थी अब एक सिचुएशन ऐसे आया है कि ग्लोबली डिमांड काफ़ी स्लो है और चाइना में काफ़ी एक्सेस कैपेसिटी है सो so उन्हें ये चाहते हैं कि उनका जो पर्पस है कि अब हम चाइना से ही डिमांड को इंक्रीज़ करें इसके लिए वो लोग वहाँ पे जो लेबर्स है उनको काफ़ी इंक्रीज़ सैलरीज और इंक्रीज वेजेस दे रहे हैं ये सब देने से उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो काफ़ी बढ़ रही है राइट right. सो so, अगर वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है और आपको ग्लोबली भी कॉम्पिटेटिव रहना है तो आपको आपकी करेंसी डिप्रीशिएट करनी होगी तो ये एक जो ट्रेंड था तीस साल से अबाउट एप्रीशियेशन ऑफ करेंसी अब हम एक ऐसे फेज से पास आउट हो रहे हैं जहाँ पे बिकॉज चाइना की कॉस्ट बढ़ रही है तो वहाँ पे करेंसी डिप्रीश होगी और इसका लाभ काफ़ी काफ़ी इंडियन कंपनीज को होगा सो so, वो एक एडवांटेज इंडिया के लिए उभर रहा है

अब uh, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कैसे हो रहे हैं फिर उनकी पॉलिसीज़ कैसे फार्मूलेट होगी सो वो सब सिचुएशंस है जो ग्लोबली हमेशा एक प्रॉब्लम्स uh, क्रिएट करती रहेगी जिसके कारण शायद एफ का सेलिंग यहाँ पर आए और मार्केट करेक्ट हो बट इंडियन इन्वेस्टर्स को ये समझना चाहिए कि हमारी जो कंट्री है वो एक आइलैंड uh, है एक सपरेट सिचुएशन है और हमेशा ऐसे करेक्शंस का हमें लाभ उठाना चाहिए अरुण सर यहाँ पे ये यह गवर्नमेंट को लगभग टू पॉइंट फाइव ईयर्स हो गए हैं और यहाँ पे लेकर आप गवर्नमेंट इनिशिएटिव को कैसे रैंक करते हैं दो हज़ार चौदह से जब जब से गवर्नमेंट आई है तो सबसे बड़ा जो वो चीज़ कर रहे हैं वो एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहे हैं ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे बिजनेस में इन्वेस्ट करना आसान हो ऐसा प्लेटफॉर्म कि लोगों को मदद मिले जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ जनधन योजना जिसमें करोड़ों खाते खुले और आगे भी अभी काफ़ी सच लाइन में है और उसको उन्होंने आधार के साथ और मोबाइल के साथ जोड़ा जी तो उसको जैम कहते हैं जे एम जैम तो ये देखने में छोटा लगता है पर ये कितना बड़ा काम हो गया जब ये खाते खुले थे तो लोग कह रहे थे कौन इसमें पैसा रखेगा तो अब ये एकदम ह्यूज सक्सेसफुल हो गया इसके अलावा बहुत छोटे छोटे शुरू में बिल आए आपका रियलिटी बिल आया आपका बाकी आया और अभी रिसेंटली जो जी हो गया आई थिंक ये तो ये तो बहुत ही बड़ी चीज हो गई है, ये तो रिफॉर्म ऑफ द डिकेड होने वाला है मुझे लगता है कि यहाँ से ये और आगे जाएगा श्योर sure. और ये हमारे लिए पॉजिटिव ही होने वाला है श्योर sure.